नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का औसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जौ के शरीर पर नमक डालने से उसकी मौत क्यों हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस घंटी को दबाएं और सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम नमक को खुले में रख देते हैं तो वो थोड़ा गीला या चिपचिपासा हो जाता है, और अगर उसे ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो वो पूरी तरह से पिघल जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक हवा में मौजूद नमी को पूरी तरह से सोख लेता है। जब तक नमक में नमी की मात्रा कम रहती है तो वो थोड़ा गीला सा रहता है, लेकिन जैसे ही नमी की मात्रा बढ़ती है तो वो पूरी तरह से पिघल जाता है। जब हम जौ के ऊपर नमक डालते हैं तो नमक तुरंत उसके शरीर से पानी सोखना शुरू कर देता है। जौ के शरीर पर नमक डालने की वजह से जैसे उसके शरीर में पानी की मात्रा कम होने लगती है तो इस वजह से वो थोड़ी छटपटाने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। जौ की त्वचा नाजुक होती है और इस वजह से उसमें नमी की आवाजाही आसानी से हो पाती है। नमक की जौ के शरीर के अंदर से पानी सोख लेने की प्रोसेस को रसायन विज्ञान में ऑस्मोटिक दाब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जौ में ये खूबी इस वजह से होती है ताकि वो जरूरत पड़ने पर अपने आसपास के एनवायरनमेंट से नमी सोख सके, और इस तरह की खूबी इस प्रजाति के अनेक जीवों में होती है, जैसे कि कैचुआ जो बारिश के मौसम में कीचड़ में पाए जाते हैं। इसी तरह इंसान भी अगर ज्यादा नमक वाली चीज खा ले तो उसे भी पानी की जरूरत पड़ती है, तो उसी तरह जौ भी बिना पानी के नहीं रह पाती है। और इसी तरह जब हम जौ पर नमक डालते हैं तो उसके शरीर से सारी नमी खत्म होने लगती है और जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जौ के शरीर पर नमक डालने से उसकी मौत क्यों हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवाल है सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।